दोस्तों तो देखिए बहुत ही अच्छे तरह से होली का त्यौहार हम लोग मना लिए हैं और इस समय हम लोग टहलाई हो रहा है खेत का, खाना हम लोग पचा रहे हैं, ओवरडोज जो है पुआ पूरी हेन तेन ललटेन, देखिए बाबू भी है हेन तेन पूरा खाए हम लोग पचा रहे हैं, दीदिया भी है भैया भी है बाबू भी पूरा भरपूर इंजॉय कर रहा है कभी आगे कभी पीछे। और होली का त्यौहार कैसे तुम लोग मनाए? बहुत अच्छा। हाँ मस्त, अच्छा लगा ना पूरा होली का त्यौहार? देखिए हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त मनाए हैं, इतना अच्छा लगा इस बार कि पेट एकदम फूल गया है, समझिए कि हम लोग रोड पे चल के पचा रहे हैं खाना खाना हम लोग पचा रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग अपना अपना खेत घूम रहे हैं और बाबू सबसे आगे चल रहा है इस समय। बाबू कैसा फील महसूस कर रहे हो जी? अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। तो देखिए इस समय हम लोग पूरा खेत अपना देख रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी हम लोग रोड से देखिए, ये जो रोड दिख रहा है ना, यहाँ पे एक मेन रोड है, मेन रोड से होके फिर हम लोग निकले हैं इधर बाईपास, क्योंकि इसके बगले में हाँ बाईपास रास्ता है ना, तो ये जो रोड यहाँ पे ख़त्म होती है वहीं से हम लोग का मतलब खेत चालू होता है। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं वहीं पे। बाबू एक बार गया था देखिए, वो एकदम दौड़ दौड़ के चल रहा है वहीं पे। बाबू बाय करो, बाय बाय, कहीं आइए, अच्छा लग रहा है ना? हाँ चला चला। दोस्तों तो देखिए हाँ यहाँ से देखिए, ये डिसकलर वाला है ना, यहाँ देखिए वो हरा दिख रहा है ना, तो वो दूसरे का है, और ये जो दिख रहा है ना हाँ हम लोग का लगता है कि ये लाल वाला गेहूँ है, इसीलिए देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। देखिए अभी सबका बाद में होगा ना, बाद में हम लोग पहले ही तैयार हो जाएगा। अब तब दिक्कत जानते बनी क्या होगा, हाँ क्या निरीक्षण कर रहे हो जी तुम लोग, क्या निरीक्षण कर रहे हो, देख रहे हो कि लाल वाला गेहूँ है कि सफेद वाला, बताओ। रोग लग गया, अभी तो हरा कलर का दिख रहा है, अभी हरा दिख रहा है ना, तो इसमें देखो रोग लग गया है क्या यहाँ पे, ये देखिए रोग लग गया है क्या इसमें, ये काला काला क्यों दिख रहा है जी, पूरा गेहूँ खराब हो गया क्या, ये इसमें दवा छिड़ना पड़ेगा क्या, ये देखो ना काला काला पता नहीं क्या हो गया है, किसी की नजर लग गई है क्या, तो कहाँ है काला काला, सबका तो नहीं काला दिख रहा है, हम ही लोग का काला दिख रहा है। और दोस्तों बताइए आप लोगों का होली कैसे मना? हम लोग तो बहुत ही अच्छे तरह से सेलिब्रेट किए, बहुत ही अच्छे तरह से मनाए। देखिए बाबू भी है यहाँ पे, बाबू कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ पे, क्या चले जाए? हाँ चल, देखिए बाबू कह रहा है कि चलिए, क्योंकि इसको रुकना मना है, क्योंकि बहुत टहल रहा है, ये भी जब चलेगा ना तो थक के सो जाएगा। और ये देखिए ये हम लोग का खेत है, कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम एकदम जबरदस्त खेत है पूरा एकदम चारों तरफ से। ये देखिए उधर जो हरा वाला दिख रहा है ना, वो दूसरे का है, और ये जो दूसरे कलर का जो दिख रहा है ये हम लोग का खेत है। ये देखिए जो खेत दिख रहा है ना, ये वहाँ पे देखिए सामने जो वहाँ पे आप देख रहे हैं ना, वो जो हरा वाला दिख रहा है ना, वो दूसरे का है, और उधर भी सामने जो हरा वाला है दूसरे का है, और इधर जो देखिए सूर्य भगवान भी अस्त हो रहे हैं इस समय, शाम का समय है और हम लोग निकल रहे हैं इस समय। चला उधर चला जाए बाबू, उधर रोड है ना, देखिए दोस्तों इधर रोड बहुत पतला है, चला चला, मेड़ी है देसी मेड़ी, ये बने बाबू को लेकर चलो, हाँ तो चलो चला जाए। देखिए बाबू को चलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि रोड इतना पतला है ना कि चलने में तकलीफ हो रही है। कैसा लग रहा है बाबू, अच्छा लग रहा है ना? हाँ चला चला, ये हाईवे पे चलने में कैसा लग फील महसूस हो रहा है? ये रोशनी थोड़ा बाबू गोदी ले लो, गोदी लेके आओ, बाबू ए बनी बाबू को ले लो गोदी, गोदी लेके यहाँ तक आओ, गोदी यहीं पे रोड है तो पकड़ के लेके आओ हाथ में, आ जाए बाबू धीरे धीरे आना। देखिए हम लोग रोड में चल रहे हैं ना, रोड नहीं है ये मेड़ी है, समझिए कि इधर रोड ही नहीं निकला हुआ है। गेहूं का क्या पोजीशन बताएं, जैसे ये हरा वाला जो दिख रहा है ना ये तो ठीक है, लेकिन जो हम लोग का गेहूं है पता नहीं क्यों काला दिख रहा है। अब हम पता नहीं घर वाले लोग देखे हैं कि नहीं, वैसे तो हम गेहूं बोया गया उसके बाद पहली बार आए हैं इस खेत में, समय तो मिल नहीं पाता है।
आजा बाबू, आजा 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 आजा, आओ चले इधर, चल जाए इधर, रोड है बाबू। ए बाबू थोड़ा गोदी ले लोगे? देखिए बाबू इस रोड पे चल नहीं पा रहा है, कहाँ से कि बहुत रोड पतला है, रोड नहीं है, मेड़ी है। आजा आजा जल्दी से आजा, हाँ जल्दी आजा बाबू, गोदी नहीं आना है, बस ऐसे आना है। आजा यहाँ पे रोड मिल गया, बढ़िया मिल गया रोड, आगे हाईवे है बाबू, हमें तो बड़ी कांटा बाबू, कांटा नहीं है वो, चलिए हाँ कांटा नहीं है। अरे तो खुटिया बड़े बड़े बा, ये जो लोग का था ना खुटिया, अरे सरसों काटा रहा तो खुटिया अगर बड़े बड़े बा। और दोस्तों चंदन भाई मिलने के लिए आए थे, बहुत अच्छा लगा, और हम लोग तो कहीं नहीं जा पाए हैं, वैसे खेत में घूमने का मजा कुछ और है। यहाँ पे देखिए लोमड़ी भी घूम रही है, वहाँ पे आप लोगों को जूम करके हम दिखा रहे हैं कैमरा, ये देखिए, देख रहे हैं ना लोमड़ी घूम रही है उधर। आओ बनी चलो इधर आओ, क्या तोड़ रही हो जी, मटर है क्या? हाँ अच्छा, घास तोड़ रही गाय के लिए? अच्छा खेलने के लिए घास, अच्छा तो थोड़ा सा घास के थोड़ा और बढ़ा लेती तुम लोग, हाँ तो गाय का चारा हो जाता है। क्या खेल रही है जी, देखिए ये क्या खेल रही है, क्या लियो जी, अभी वाह तुम लोग गुब्बारा उड़ा रही हो क्या, देखा ठीक लगी बाबू, थोड़ा बच के इधर आ जाए, इधर बाबू एक पकड़, हाथ पकड़, देखा उन्हें कहाँ जाता है, इधर चलना है बाबू, देखा उन्हें खूंटी उठी बा, अरे बाबरे इधर वीडियो बना बना देख रहे तो हम ही हिमला जाए। दोस्तों आज पूरा फुल दिन देखिए सूर्य पे अस्त हो रहा है, ये भाई सूर्य भगवान कहाँ चले गए जी, कैमरा में नहीं दिख रहे हैं, बादलों में छिप गए, वो बादलों की शहर में चले गए। अरे तो इसमें कैमरा में क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो बादलों की शहर में चले गए तो दिखाई देते हैं। हाँ 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 हाँ, क्या दिखाई तो दिए थोड़ा सा, सूर्य भगवान थोड़ा सा दिख रहे हैं, खत्म नहीं, अस्त होने वाले हैं। सूर्य भगवान खत्म थोड़ी होंगे, सूर्य भगवान अस्त होंगे। ये मतलब देखो भाई कौन हो रहा लगा के खाए हैं सब, देखिए खेत में आए हम ना, भाई देखिए कोई हो रहा लगा के खाया है, देख रहे हैं ना, है। अरे नहीं भाई, अच्छा मटर का छिलका, मटर का छिलका है, हाँ एरोप्लेन। अरे देखिए दोस्तों एरोप्लेन हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये भाई एरोप्लेन तो नहीं दिख रहा है इसमें, कैमरा उतना पावरफुल नहीं है। दोस्तों देखिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पे, नहीं अलावलपुर प्राइमरी स्कूल, वो जो देख रहे हैं ना अलावलपुर प्राइमरी स्कूल है, और उसी के बगल से ये रास्ता आता है, वो प्राइमरी स्कूल है जो देख रहे हैं, और उसी के बगल से ये रास्ता आता है हम लोग के खेत तक, और ये जो देख रहे हैं ना तो ये खेत हम लोग का नहीं है, क्योंकि हम लोग का खेत थोड़ा सा जब पीछे जाएंगे ना तो जहाँ से वो बाउंड्री चली है वहाँ से वो जो खेत बोया गया ना उसके बगल में है इधर, तो आप लोग देख ही सकते हैं, हम लोग आप लोगों को खेत दिखा भी दिए, और बहू देखना इधर कुछ है बच के। रोड पे समझिए कि गांव देहात में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोग शौचालय का प्रयोग कम करते हैं, रोड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, खुला खुला देखिए वो किसी का घर बना हुआ है ना, एकदम खुले में बना हुआ है, पूरा हवा मिलता होगा नहीं, और ठंडी के मौसम में, ठंडी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा मिलेगा। अच्छा और देखिए नया नया रोड फेंकाया है, और ये देखिए बैर का कांट कितना खतरनाक है, इसको बोया बोया नहीं जाता है, पता नहीं अपने ही मैंने ये हो जाते हैं सब, ये जम जाते हैं, जैसे लोग कांटा वाटा नहीं अपने डांड किनारे रखते हैं लोग, तो वहीं से ये हो जाता है। और देखिए दोस्तों इसी के बगल में हम लोग का एक और खेत है, ये जो देख रहे हैं ना खाली वाला वो नहीं है, उसके आगे है, उसके आगे भी नहीं है, उसकी एक और आगे है, तो अभी हम चल रहे हैं आप लोगों को दिखा रहे हैं आप लोग वहाँ पे लेके चल रहे हैं खेत पे, वो नहीं।
हाँ उधर, और उसके आगे भी नहीं, उसके और आगे। हाँ नहीं, उसके एक ठीक आगे है। और ये देखिए इस गांव में धुआं निकल रहा है, देख रहे हैं ना, वहाँ पे भैंस रहती है। तो भैंस को मच्छर काट रहा है, तो भैंस को मच्छर काट रहा है, तो वहाँ पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ना, आप लोग समझेंगे ना कि धुआं नहीं निकल रहा है ना। तो देखिए हम आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए इधर हरा भरा दिख रहा है, उधर देखिए धुआं दिख रहा है ना। तो आप लोग विश्वास कर लीजिए। हाँ आ रहे हैं बाबू, बाबू भी कह रहा है ना पापा। देखिए एक बार भी गोदी नहीं आया है, हाँ पैदल ही चल रहा है, क्योंकि अब पैदल चलना जान गया है ना अच्छी तरह से। और आज हम लोग पूरा सैर करेंगे। देखिए आप लोगों को कितना खेत दिखाए हम लोग। अरे दादा उधर बाबू गिर गया जी। अरे उठाओ जी, उठाओ उठाओ उठाओ, कैसे गिर गया। अरे झाड़ दा झाड़ दा। अरे दादा हो दादा, बाबू गिर गया। अरे झाड़ दा झाड़ दा, कौन बात है कौन बात है। हाँ झाड़ दा, आ जा आ जा आ जा बाबू चल। अरे नहीं बाबू गिरते नहीं ना। ए बाबू गिरी ना, ये जो चप्पल पहना है ना। अगर मेरा एक्सीडेंट भी हो जाए। हाँ तो लोग हाथ नहीं दे रहे हैं, हाथ नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट पहले वीडियो बनाइए कि हाँ ये इसने गिरा। उसके बाद भाई जैसे बम फटे तो बम से पूछे भाई कैसे फटे। नहीं जैसे अभी अभी गिरा, अब डायरेक्ट नहीं उठाए, कहेंगे पहले वीडियो बनाते हैं फिर दिखाते हैं कि कैसे गिरा, उसके बाद से उसके बाद उठाएंगे। तो ऐसे देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे ब्लॉगर लोग तैयार हो गए ना दोस्तों। फील कर रहे हैं आप? हाँ दोस्तों देखिए, हम लोग का खेत यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यही तो है ये वाला, ये वाला नहीं, तो ये चार वैरायटी में कैसे दिख रहा है? नहीं सरसों बगल वाला। अच्छा इसके बगल वाला है। अच्छा इसके बगल वाला है। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये वाला हम लोग का खेत नहीं है, ये भी वाला नहीं है, ये वाला है, ये भी नहीं। अच्छा ये भी नहीं है, इसके आगे एक है, ये जो देख रहे हैं ना ये वाला खेत है। देखिए बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हाँ बहुत खूबसूरत। देखिए इसमें एक फायदा है, देखिए इसमें धान में ना काला काला नहीं हुआ है, मतलब सॉरी दोस्तों देखिए आप लोग मान लीजिएगा कि गेहूं है, मतलब गेहूं मानने का है, गेहूं है ही है, हमने गलती से बोल दिया था धान, लेकिन ये गेहूं है। असल बात जानते हैं, थोड़ा दिमाग इधर उधर हो गया था देखने में, बाबू को संभालने में। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं है, चलिए एक और अपने खेत में लेके चलते हैं। और ये देखिए रोड पे लोग बैठ के ना, आज होली का त्यौहार है ना, तो लोग वेट कर रहे हैं, देखिए एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग निकले हैं उस तरह से ये लोग भी देखिए गांव में आए हुए हैं, मतलब गांव के निकले हुए हैं, मतलब गांव के भागे हुए हैं, गांव के भागे हुए हैं, तो रोड पे आए, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं लाइव हम लोग के देखिए हम लोग भी निकले हुए हैं घूमने के लिए। हम लोग गांव के हाँ गांव के निकले हुए हैं। और ये देखिए इतना बड़ा खूबसूरत फूल है ना, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसकी नहीं घास नहीं है, इसकी खूबी जान के ना आप लोग एकदम दंग रह जाएंगे। देखिए इसकी एक खूबी है, ये महकता नहीं है, नहीं महकता नहीं, बहुत खूबसूरत फूल है ये। और ये जानते हैं किस काम आता है, अभी जब घाम होगा ना तो खूब बढ़िया, इसको जब थोड़ा सा हिलाएंगे ना, इसे करेंगे ना, झटका मारेंगे ना, तो खूब बढ़िया उड़ेगा। और भी उसका बहुत सारा काम है, गाय भी खाती है। और दोस्तों देखिए अब हम लोगों के यहाँ से अभी हम लोग घूमते घूमते आ गए पीछे सड़क तक। और देखिए यहीं पे जो देख रहे हैं ना मोड़, जहाँ पे जो पत्ता रखा हुआ है उसी के बगल में पीछे सड़क है, एक हम लोग के यहाँ गाँव में जाती है और एक घाटी जाती है। दोस्तों देखिए अभी हम लोग पहुँच चुके हैं इस रोड पे, और देखिए बाबू भी बहुत मस्ती कर रहा है। और ये बाबू बनिया सब देख रहे हैं ना, ये चारों जो देख रहे हैं ना चारों बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं सब एक साथ, केवल होली में ही एक साथ इकट्ठा हुए हैं सब, नहीं तो कोई कोई कहीं और कोई कहीं कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, सब लोग एक साथ नहीं जुट पाते हैं, केवल होली में हम लोग जुटते हैं। और वैसे भी फिलहाल में हम अब दूसरे को क्या कहें, सबको क्या कहें, हम भी नहीं, मान लीजिए अगर दूसरा दिन रहता तो हम भी दुकान पे ही रहते। देखिए दोस्तों अब आ गया है पीच, ये जाता है हम लोग के फिर दूसरे वाले खेत में, और ये जाता है हम लोग के गांव में, और ये जो जाता है रोड सीधे अलालपुर। तो चलिए हम दूसरे खेत में दिखाते हैं।